सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगाई है, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। इससे पहले यूपी और त्रिपुरा में इस पर कार्रवाई की थी। अब तक एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जमियतुल उलमा हिंद की याचिका पर यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की उस सिफारिश पर रोक लगा दी है, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मुस्लिम संगठन जमीतुल उलमा हिंद के उन दलीलों पर गौर किया। याचिका में कहा गया है कि एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कुछ राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई के मद्देनजर इस पर रोक की जरूरत है। यूपी और त्रिपुरा सरकार ने निर्देश दिया था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस साल 7 जून और 25 जून को एनसीपीसीआर ने जो सिफारिश की है उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीपीसीआर की सिफारिश के मद्देनजर जिन राज्यों में आदेश जारी कर कार्रवाई की है उस पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो यूपी और त्रिपुरा राज्य को इस मामले में दाखिल याचिका में पक्षकार बनाए। इससे पहले मुस्लिम समुदाय के संगठनों और नेताओं ने कहा था कि मदरसों को सरकारी आर्थिक सहायता देने पर रोक लगाने की एनसीपीसीआर की अपील से केरल के मदरसों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें राज्य में ऐसी कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती। एनसीपीसीआर ने मदरसों के काम पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था, जब तक वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता बंद कर देनी चाहिए। एनसीपीसीआर ने अपनी नई रिपोर्ट आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़न में कहा कि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के दायरे में नहीं आने वाली धार्मिक संस्थाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार मदरसों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम से छूट दिए जाने के कारण इन संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे बेहतर शिक्षा से वंचित रहते हैं। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे न्यूज़।